हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया है कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत चुकी 1971 में, जो कि 1972 में चुनाव होने थे, और उन्होंने 1971 में अपना चुनाव कंडक्ट करा लिया। और 518 सीटों में 352 सीटें इनको मिली हैं और जनता का भरपूर प्यार इनको मिल रहा है। अब यहीं से हमारी कहानी चालू होगी और वो सारे बदले जो इंदिरा गांधी को लेने हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के थ्रू उनके जितने भी कार्यों को नहीं होने दिया, अब वो यहाँ पर किस तरीके से उसका रिवेंज लेंगी, कहानी आप समझते जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा भी आएगा आपको। अब देखिए, समझिए, मार्च 1971, इंदिरा गांधी ये सरकार बन चुकी है और इनके सबसे पहला रिवेंज लेंगी गोलकनाथ फैसला। गोलकनाथ का जो केस सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आरसी कूपर फैसला जो गवर्नमेंट इनका था, आरसी कूपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, और क्रीमी पर्स केस, प्रीवी पर्स केस, ये तीन बातें हो गई। तो अब समझिए 1971 का साल चल रहा है और गोलकनाथ का फैसला जो आया था उसमें क्या था, उसमें ये था कि अनुच्छेद 13 और 368 में कॉन्फ्लिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किया कि 368 क्या है, 13 पर तेरह पर मतलब फेयरफुली उसको नहीं रोक सकता है। तेरह जो है वो 368 को रोक लेगा, ये समझिए कि आप मतलब आपके पास पावर होगी सब जगह संविधान में संशोधन करने की, लेकिन 13 जिनको प्रोटेक्ट कर रहा है, 13 प्रोटेक्ट बेसिकली किसको कर रहा है, 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये चीज गोलकनाथ फैसले में बोली। तो आप ये समझिए, जब मार्च 1971 में इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी, 15 मार्च का दिन था, 15 मार्च 1971, और इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तो इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन किया और गोलकनाथ फैसले को ख़त्म किया, मतलब उसके फैसले को पलट दिया, और आरसी कूपर के फैसले को मतलब बैंक नेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने के लिए, बैंक नेशनलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए 25वां संविधान संशोधन कर दिया। और 25वें संविधान संशोधन से आप ये समझिए, हम लोगों ने फर्स्ट अमेंडमेंट में ये पढ़ा था, 31A 31B जोड़ा गया था और इसमें इन्होंने 31C जोड़ दिया, एक 31C भी जोड़ दिया, और इसको जोड़ के इन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी एक पूरा ओवरव्यू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रीवी पर्स के कोर्स जो था वो 26वां संविधान संशोधन करके उन्होंने प्रीवी पर्स के मामले को रिजॉल्व कर दिया। तो यहाँ से अब 24वां जो संविधान संशोधन उन्होंने करा, तो 13 में जो थे क्लाउज 1, क्लाउज 2 और क्लाउज 3 पहले से ही थे, लेकिन इन्होंने एक क्लाउज 4 भी जोड़ दिया। अब क्लाउज 4 में जाके स्ट्रिक्टली पूरी बात लिख दी कि ये जो अनुच्छेद 13 है वो अनुच्छेद 368 को नहीं रोक सकता है, इसमें अपने अंदर इंटरफेयर करने के लिए, ये बात उन्होंने यहाँ पर जाके मेंशन करी 13 में। इसी तरीके से अनुच्छेद 368 में भी जाके बात को लिख दिया कि अनुच्छेद 13 क्या है, 368 को नहीं रोक पाएगा, वो 13 पे भी अप्लाई कर सकता है। इस तरीके से इन्होंने 24वां संविधान संशोधन करते हुए, अब भाई 352 सीटों से इनकी सरकार बनी है, इनको कोई भी बिल पास कराना बहुत आसान था, तो उन्होंने इस तरीके से 24वां 25वां 26वां संविधान संशोधन करके इस तरीके से पूरा ये सारी कार्य को उन्होंने किया। फिर इन्होंने एक संविधान संशोधन किया, 29वां संविधान संशोधन, यहीं पे लिखता हूँ इस जगह पे, 29वां संविधान संशोधन। अब ये संविधान संशोधन एक कहानी में बहुत बड़ा मोड़ ले आता है, ये 29वां संविधान संशोधन जो है ये कहानी में इसलिए मोड़ ले आता है क्योंकि इन्होंने 29वें संविधान संशोधन के तहत केरला लैंड रिफॉर्म बिल को
नाइन्थ शेड्यूल में डाला, मतलब केरला रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म बिल को लेके आई पहले केरला की जो लैंड रिफॉर्म बिल था, और उसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल के केरला की जो लैंड थी वो इन्होंने अपने वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए सॉरी, इन्होंने लोगों से लेना चालू कर दिया। मतलब तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, अब इसी में एक व्यक्ति थे, एक महंत थे, उनका नाम था केशवानंद, केशवानंद भारती। ये केरल में एक मठ था, उसके महंत थे। इनकी भी जमीन को इसी 29वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी ने जब ले लिया तो ये कोर्ट में इन्होंने अपील करी, कोर्ट में केस डाला, और अनुच्छेद 32 के तहत जब ये सुप्रीम कोर्ट भी गए तो इन्होंने ये बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जो कि शंकरी प्रसाद के केस में पहले से जो मुद्दे चल रहे थे, सज्जन सिंह के मामले में जो बात क्वेश्चन राइज थे वही क्वेश्चन यहाँ पे भी इन्होंने राइज करा, और सज्जन सिंह के बाद फिर उन्होंने जो गोलकनाथ फैसले में जो बात बोली भी, तो उस सब चीज को आधार बनाते हुए फिर से केस गया कोर्ट में, और इस कोर्ट का जजमेंट, इस कोर्ट का जो है जजमेंट वो आया 24 अप्रैल सन 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को क्या आया, 24 अप्रैल 1973 को हालांकि केशवानंद भारती अपना केस हार गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन जारी करी। उन्होंने कहा देखिए आपका जो 24वां संविधान संशोधन है वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 25वां भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 26वां भी संविधान संशोधन आपने करा कोई दिक्कत नहीं, 29वां भी आपने करा, उसमें केरला लैंड रिफॉर्म बिल भी आपने बनाया और उसको 9वीं अनुसूची में डालते हुए इनकी लैंड को ले लिया, हमें इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेकिन इस केस में के थ्रू कोर्ट ने क्या करी, अपनी बात को रखा और ये कहा कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगी, क्योंकि जो जितनी डेट लिखी जा रही है वो हमेशा याद रखिएगा आप। तो उन्होंने इसमें कहा कि आप ये समझिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को वेल डिफाइंड बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन हाँ बताया, ये बताया कि देखिए जैसे कि इसमें 395 अनुच्छेद हैं तो हमेशा रहेंगे, ये नहीं कि आप उसके अनुच्छेद को हटा दे रहे हो, खत्म कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो, वो उतने ही रहेंगे, ना ही आप बढ़ाओगे ना ही घटाओगे, प्रेम्बल है तो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया को सबसे ऊपर सुप्रीम पोजीशन मिली तो मिली है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 32 से 35, 12 से 35 में, तो फंडामेंटल राइट्स उनके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपने जोड़ दिया तो वो जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही नहीं खत्म कर दोगे, क्योंकि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करके इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुप्रीम फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर दिया, आपने इस तरीके से नॉर्म्स बना दिए, जैसे कि आप समझिए जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो 1932 या 33 के आसपास जो है वो हिटलर जीत के आया ना, हिटलर नाजीवादी पार्टी का नेता था, और उसकी जब सरकार बनी, तो जब सरकार बनी तो उसने ये बोला कि अब इलेक्शन होंगे ही नहीं, और डिक्टेटरशिप वहां पे आ गई, तो वही चीज यहाँ पे कही सुप्रीम कोर्ट ने कि आप डिक्टेटरशिप नहीं मतलब ला सकते हो, कि आपने कहा कि इलेक्शन ही नहीं होंगे, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, हमने 9th शेड्यूल बना दिया उसमें कोई मामला चला गया उसमें कोई देख नहीं सकता है। उन्होंने कहा हाँ ये उस समय पे रिस्ट्रिक्शन लगाया कि, और ये भी बोला आप समझिए कि 9th शेड्यूल में, हालांकि ये दूसरे आगे के केस से रिलेटेड है, चलिए उसी समय बात करेंगे, 9th शेड्यूल से रिलेटेड बात ही, अभी उसको छोड़ते हैं, अभी इसी इसी पे आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, बस आप यहाँ तक समझो, उन्होंने यहाँ पे ये बोला बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, तो ये एक पोर्शन था जिसको हमने समझा, अभी हम इसको समझेंगे इसको और बीच डीप में जाके कि 25वां संविधान संशोधन आरसी के ऊपर बैंक नेशनलाइजेशन क्या था और उन्होंने किस तरीके से खत्म करने की कोशिश करी, अमेंडमेंट जो करे उन्होंने 25वां संविधान तो किन किन आर्टिकल्स में करे, जैसे 31 सी को जैसे उन्होंने ऐड करा तो क्यों करा, 24वें में आर्टिकल्स में क्या फेरबदल हुई, 26वें में क्या आर्टिकल्स में फेरबदल हुई, वो सब चीजों को भी समझेंगे, लेकिन आप एक पहले वो समझिए एक बेसिक ड्राफ्ट पहले क्रिएट हो जाए। तो अब ये कहानी, एक कहानी का एक पार्ट अभी पूरा हुआ है,
अभी यहाँ पे कहानी का एक दूसरा पार्ट अब चलेगा, तो इसको आप जो भी अगर आपको समझ में आया अभी आप उसको नोट करिए, बाकी अपने नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं। और ये देखिए मैं आपको कहानी का दूसरा पार्ट बताता हूँ। कहानी का दूसरा पार्ट ये था कि ये जो 15 मार्च 1971 को इनको 352 सीटें मिली थी, 352 सीटें जो कि 518 सीटें में थी, आउट ऑफ 518 सीटों में से 352 सीटें इनको मिली थी। तो जो स्वयं इंदिरा गांधी थी वो रायबरेली सीट से खड़ी हुई थी, रायबरेली से। रायबरेली सीट से ये खड़ी हुई थी, और रायबरेली सीट पर इनके जो अगेंस्ट खड़े थे वो राज नारायण थे। तो और ये समझिए 10 मार्च 1971 को जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो राज नारायण जो इनके अगेंस्ट रायबरेली सीट पे खड़े थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, उनको इतना भरोसा था अपने ऊपर कि वो जीत रहे हैं, उनको ये पूरा भरोसा था कि वो जीत रहे हैं, सरकार इनकी पूरी आ रही है, राज नारायण को ये पूरा भरोसा था कि इंदिरा गांधी नहीं जीतेंगी, हम जीत रहे हैं। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से पहले ही इनको इतना भरोसा था कि इन्होंने कई अग्रिम बधाई वाली जीत वाली रैलियां पहले ही से निकाल दी कि मैं जीत रहा हूँ, और लड्डू वगैरह बंटवा दिए, समझिए इतना कॉन्फिडेंस था इनको राज नारायण जी को कि रायबरेली सीट से ये इसके इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट लग रहे थे कि हम जीत रहे हैं। और लेकिन जब 10 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो जब इन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी ने राज नारायण जी को इंदिरा गांधी ने 1 लाख वोटों से हरा दिया है, मतलब ये इनको ये था कि मैं जीत रहा हूँ, और उनको बाद में पता चलता कि मैं 1 लाख वोटों से हार गया, मतलब इतने कम मुझको वोट मिले, तो इनको बहुत धक्का लगा, बहुत सदमा लगा, और इनको विश्वास नहीं हुआ उस बात पे। और इन्होंने क्या करा, विदिन 45 डेज, 45 दिन के अंदर रूल होता है कि हारा हुआ कैंडिडेट अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, तो इन्होंने हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील डाल दी 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी के ऊपर केस कर दिया कि ये जो जीती हैं इन्होंने गलत प्रावधानों का यूज किया है, और इन्होंने कई एलिगेशन लगाए। एलिगेशन जब कई एलिगेशन लगाए जिसमें से जब तहकीकात हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, और सभी एलिगेशन में से दो पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना, मतलब इनके 2 पॉइंट्स को कहा कि हाँ ये 2 पॉइंट्स तुम्हारे आपके ठीक है, मतलब जिसके ऊपर आपने इन्होंने चार्जेस लगाए, बाकी सब उन्होंने एलिगेशन हटा दिए। और इसी के बिहाफ पे क्या हुआ, अब केस फाइल हो गया और मुकदमा चलने लगा। अब मुकदमा चलते चलते समय आ गया 8 जून का, 8 जून 1975, 8 जून 1975 को ये हुआ कि इनका जो हाई कोर्ट में मामला देख रहे थे उस समय पर वो जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा थे, जगमोहनलाल सिन्हा। जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा इनका केस देख रहे थे उस समय पर, और इनके ऊपर काफी दबाव उस समय पे पड़ रहा था जुडिशरी से भी और पॉलिटिकली भी, तो इन्होंने, और ये काफी स्ट्रिक्ट जज थे जगमोहनलाल सिन्हा, उनको मतलब किसी से ये नहीं मतलब था कि आप इनके ऊपर दबाव बना लोगे या फिर आप इनको किसी तरीके से कोई लालच या लोभन पर लोभन बस आप इनको किसी भी तरीके से डाइवर्ट नहीं कर सकते, वो इतने मतलब सख्त जज थे। तो इन्होंने जब इस तरीके से इनके पास चीजें होने लगी, इन्होंने 8 जून 1975 को इस केस का जो था फैसला अपने पास सुरक्षित कर लिया था, और लोग सुनने इंदिरा गांधी की तरफ से बहुत लोग इनसे ऊपर मतलब उसको जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या दे रहे हैं साहब, जवाब क्या देने वाले हैं, ये मतलब पता लग जाए पहले। तो इन्होंने फाइनली क्या करा, 12 जून 1971 को इंदिरा गांधी और राज नारायण दोनों को बुलाया और फैसला सुना दिया। और फैसले में क्या सुनाया इन्होंने, इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से रोक लगा दिया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, और जो ये आपके ऊपर 2 एलिगेशन लगाए थे राज नारायण जी ने वो सही थे, सही है, मतलब इसलिए आपने मतलब इलेक्शन में धांधली करी है, आपने गलत मशीनरी का यूज किया है, मतलब अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए आप उन सब फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है, उनकी मशीनरीज का गलत इस्तेमाल किया है, इस तरीके से इनको 6 साल से केस
के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया कि आप 6 साल आगे चुनाव नहीं लड़ सकती और आप जो करंट पोजीशन आपके पीएम की उससे भी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। ये दो चीजें उन्होंने बोल दी। और दिन था 12 जून 1971 का, सॉरी 75 1975 8 जून को फैसला रिजर्व कर लिया था, 12 जून को सुना दिया 1975 में ही, 1975 में। अब ये समझिए उस समय पर हाई कोर्ट ने फैसला कर सुना दिया तो एक रास्ता होता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता होता है। लेकिन उस समय जून का महीना चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही थी, और हालांकि 11 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट खुली 23 जून 1975 को, और यही बात इनकी सुनी गई, यही मामला जब सुना गया तो 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जो कि जब मोहनलाल सिन्हा जी ने जो फैसला सुनाया था उसको बरकरार रखा, मतलब कहा 6 साल के लिए सजा, मतलब जो इन्होंने दिया था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती हो, चुनाव से वंचित रखा जाएगा, वो उन्होंने कहा ये ठीक है, उसको बरकरार रखा। और दूसरी चीज उन्होंने एक चीज ये बोली कि चूंकि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात भी इन्होंने बोली थी, उन्होंने कहा नहीं, आप प्रधानमंत्री पद पे बने रहिए क्योंकि आपको जनता ने चुना है और जनता के साथ ये मतलब अन्याय हो जाएगा अगर आप इस्तीफा कर देती हैं, क्योंकि जनता को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये अल्टीमेट जनता के लिए सजा हो जाएगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से अपना फैसला दिया, और हालांकि ये भी बोला कि आप उस सांसद रहते हुए अपने उस राइट का यूज नहीं कर सकती जो वोट देने के काम आता है, मतलब आप वहां पे जैसे राज्यसभा या लोकसभा में जब वोटिंग होती है तो आप वहां वोट नहीं दे सकते हो, ये चीज बोली। 24 जून 1975 का दिन था। तब उसके बाद उसी दिन ही रात में साढ़े ग्यारह बजे इंदिरा गांधी आती हैं और 11:30 बजे ही राष्ट्रपति जी से सिग्नेचर, एक ऑर्डिनेंस होता है उस पे करा के नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब 11:30 के बाद 12 बजे के बाद 25 जून लग गया, 25 जून 1975 लगते ही नेशनल इमरजेंसी देश में डिक्लेयर कर दी जाती है। तो ये इमरजेंसी लगने के पीछे की पूरी कहानी थी 25 जून 1975। अब ये समझिए इंदिरा गांधी को उस समय पर, इंदिरा गांधी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला उस समय इस केस में उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने इमरजेंसी लगा दी तो 26 जून 1975 को नानी पालकी वाला ने इनका केस छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि हम आपका केस अब नहीं लड़ सकते। और जबकि राज नारायण को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, शांति भूषण जी इनके वकील थे। और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग गई, 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगाई गई, हालांकि शांति भूषण के ही लड़के शांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब बहुत बेहतरीन लॉयर हैं, और उन्होंने ही प्रशांत भूषण जी ने एक बुक लिखी है इसी केस के ऊपर, और उस केस का और उस बुक का नाम है द केस दैट शूक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उस बुक में उन्होंने पूरी चीज़ों को बहुत डिटेल में मतलब ये बताया इस केस में क्या चीज़ें हुई, मतलब इमरजेंसी का ये जो लगने का प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया, उन्होंने काफ़ी पूरी फैक्चुअल चीज़ें जाके डीप में जाके पूरी चीज़ों को समझाया। तो ये समझिए उस बुक में शांति भूषण के वो पुत्र हैं जो उन्होंने वो किताब लिखी, क्योंकि इनके पिताजी ने ये केस लड़ा था तो उनको पूरी बारीकियाँ इसके बारे में पूरी उनको पता थी। तो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगती है जो कि मार्च 1977 तक चली। आप समझिए अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन ये समझिए पहली बार देश में ऐसा हुआ था कि जब किसी हाई कोर्ट के जज ने किसी प्रधानमंत्री को सजा दी हो और उन्हें इस तरीके से सजा का इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जून 1975 को बोला, तो ये अपने देश में ही नहीं, उस समय पर एक 1972 से लेकर 1974 तक एक और मामला चल रहा था, उसमें इस मामले को बोलते हैं वाटरगेट केस। इसमें रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे यूएस के, अमेरिका के, तो उनके साथ भी सेम इसी तरीके की चीजें हुई थी, उनके ऊपर भी चार्जेस लगे थे कि उन्होंने गलत मिसयूज किया है
मतलब अपने औहदे का। उन्होंने कुल मिला के ये समझिए जैसे कि उस समय वोटिंग होती थी, वॉलेट पेपर थे जैसे कि बॉक्स के अंदर सब लोगों ने अपने वोट डाल के रख दिए, तो उन्होंने बॉक्स को चोरी कर रहे थे, कुछ लोग चोरी कर रहे थे, तो वो चोर जब पकड़े गए, बाद में तहकीकात हुई तो पता चला रिचर्ड निक्सन के ही मतलब संपर्क से वो लोग वहां तक पहुंचे थे। तो इस तरीके से जब ये पाए गए कि इन्होंने किया, तो इनको इस्तीफा देना पड़ गया था 1974 में, और यहाँ पे 72 से 74 तक ये केस चला था। तो ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ ही हो रहा था, अपने यहाँ भी देखिए जगमोहन लाल सिन्हा जी ने जब सुना दिया जजमेंट, तो फिर यहाँ पर इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बोला कि सजा को बरकरार रखा जाएगा। तो कहानी अभी यहीं पर रुकेगी, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग चुकी है। इसके बाद इस केस में क्या हुआ और आगे काफी इंटरेस्टिंग अभी और कहानी आप समझेंगे। और ये समझिए अभी जब हम लोगों ने यहाँ पे समझा था 24 अप्रैल 1973 को जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी केशवानंद भारती में, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, 13 जज की बेंच बैठी थी जिसमें 7-6 से फैसला आया था। 7 जजों ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो के फेवर में थे, और 6 लोग जो थे वो यही बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी ने जो कहा वो ठीक कहा। तो उसमें जो जज साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय पे, वो थे सर मित्र सीकरी जी, सीकरी साहब थे। तो सीकरी साहब का 24 अप्रैल 1973 को उन्होंने ये अपना फैसला दिया था, 25 अप्रैल 1973 को उनका रिटायरमेंट होना था क्योंकि, और 25 अप्रैल 1973 को जब उनका रिटायरमेंट वहां पे होना था, 25 अप्रैल 1973 को रिटायरमेंट होना था, तो उस रिटायरमेंट के बाद क्या होता था, एक प्रथा चली आ रही थी सन 1950, मतलब 28 जनवरी को मैंने बताया था आपको, 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, 28 जनवरी 1950 से एक कन्वेंशनल लॉ, मैंने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में कन्वेंशनल लॉ, तो एक कन्वेंशनल लॉ के थ्रू एक प्रथा चली आ रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर मोस्ट जज होता था उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। ये प्रथा चली कब से कब तक, 28 जनवरी 1950 से लेके यही 24 अप्रैल 1973 को उन्होंने फैसला सुनाया, और 25 अप्रैल को जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उनके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट चीफ जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। उनके बाद मतलब उनके भी बाद जो थे मतलब दूसरे नंबर पे, उनको भी नहीं बनाया गया, और 2 जजों को बाईपास करके तीसरे जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया जिनका नाम था एएन रे, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था जो आरसी कूपर वाले मामले में उन्होंने 10-1 से जो फैसला दिया था वो सरकार के पक्ष में दिया था, उनको बनाया गया था। तो यहां से एक प्रथा भी डिस्टर्ब हुई, जब यहां से एक प्रथा डिस्टर्ब हुई तो इस कहानी को ही हम लोग अगले वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये प्रथा क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी और उसके क्या क्या इम्पैक्ट आए। और इसी के बीच में ही एक केस आप समझिए, अगले वीडियो में मैं आपको क्या क्या बता दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रथा बिगड़ी तो प्रथा को सुधारने के लिए भी कुछ आया क्या, कोई सिस्टम आया क्या, आया, उस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हालांकि और उसके बाद उसके बीच में कुछ ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जो मतलब काफ़ी क्रिटिसिज्म का पार्ट थे, जैसे ईडीएम जबलपुर का एक फैसला आया इसी के बीच में, तो ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बात करेंगे। और मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें आपको मैंने अभी बताई है, इसको आप इस तरीके से समावेश करके पढ़ते जाइए, क्योंकि अब देखिए अब आपको यही समझना है कि 24वां संविधान संशोधन की आपको भूमिका समझ में आ गई। अब इसमें हुआ क्या, 13वें में क्लॉज 4 जोड़ दिया गया, 368 में भी जाके वही बात लिख दी गई, बस इतना ही आपको और ऐड करना है। बस इसी तरीके से ला समझ में आता है कि आप क्या है, सारी चीज़ों को पहले एक ओवरव्यू आपने दिमाग में पूरा बना दिया आपने, हाँ ये सारी चीज़ें हुई, फिर क्या है, फिर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इसमें आप ऐड करते जाएंगे, बस आपको चीज़ें अच्छे से आती चली जाएंगी। तो हालांकि आप इसको नोट कर लीजिए, और हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं कि सीकरी साहब को हटा के यहाँ पर 25 अप्रैल 1973 को ए एन रे जी बन चुके हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इमरजेंसी लग चुकी है 25 जून 1975 को। तो इमरजेंसी के आगे से फिर हम लोग देखेंगे क्या हुआ, अभी ये राजनारायण जी की कहानी खत्म नहीं होगी, अभी आगे चलेगी। तो बाकी आप नोट करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।